हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल मंत्र। द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द अल्टीमेट कैपेसिटी इन किलोन्यूटन ऑफ पाइल ग्रुप शोज इन द फिगर एज्यूमिंग द ग्रुप टू फिल्स एज ए सिंगल ब्लॉक। तो यहाँ पे इस ग्रुप का एज ए सिंगल ब्लॉक हमें मानने के लिए बोला है। सेंटर टू सेंटर कितना दिया हुआ है? 1.2। हमें पहला फॉर्मूला क्या है? क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी ए बेस प्लस अल्फा सी ए सरफेस। इस अब क्या बोला है कि इसको हमें सिंगल ब्लॉक मानना है, मतलब हम पहले इंडिविजुअल को निकालेंगे, उसके बाद ग्रुप से मल्टीपल नंबर ऑफ पाइप से ग्रुप को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल नॉट बी द केस ओवर हियर। यहाँ पे इसको सिंगल ब्लॉक मानना है तो हमें क्या चाहिए कि इसका बेस चाहिए, ए बेस 1.2 × 1.2। लेकिन 1.2 क्या है? सेंटर टू सेंटर। हमें आउटर आउटर चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा आउटर टू आउटर, दैट इज 1.6। यहाँ पे भी आउटर टू आउटर कितना हो जाएगा? 1.6, बिकॉज हाफ ऑफ द पाइल डाया विल बी एडेड। 0.4 है पाइल डाया, तो हाफ ऑफ द पाइल डाया विल बी एडेड इन बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा? 1.6। सो सी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। सो 40 इंटू एन सी एज यूजल एज्यूम एट 9 अनलेस अदरवाइज मेंशन। ए बेस कितना हो जाएगा? 1.6 स्क्वायर, बिकॉज ये जो प्लान डायग्राम आपको दिख रहा है 1.2, वो 1.6 कैसे हुआ मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। प्लस अल्फा, अल्फा वैल्यू इज गिविन नो, सो अल्फा वैल्यू अगर ना दिया हुआ है तो वी आर टेकिंग एज 1। देन अगेन 40 इंटू ए सरफेस, दैट इज 4 × 1.6 × 10, मतलब सरफेस एरिया। तो 4 × 1.6 पेरीफेरी इंटू लेंथ, दैट इज 10। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे द आंसर विल कम 3481.6 किलो न्यूटन। सो व्हाट विल बी द आंसर? डी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, खाली आपको यहाँ पे सिंगल पाइल ना एज्यूम करके टोटल ग्रुप को कैलकुलेट करना है एज अ सिंगल यूनिट। दैट इज ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।